अगो सरू राव दे मी करते चा नेमी करते ना अगो राव दे म्हटला ना राव दे आणि काय वो हे निशाक डोक्यावर कशाक चढवून ठेवलं तू हा काहीतरी उलटा सुलटा बोलते ती काय डोका बी का फिरला की काय तिचा तिचं डोकं फिरलं म्हणून आपण तसं वागायचंय का यांना हिंदी कार्यक्रमाचं टेन्शन आहे ना निशाला आपण सांभाळून नाही घेतलं ना तर यांचा संताप होईल आणि तो संताप मला नकोय कळलं खरंय तू म्हणतेस ते पण खराच आहे जावई बापूंक उगीच मनस्ताप नको अगो राव दे तू गौरी देईल चा तुझा शिकवायला पोरांना जाऊ का हा जा जा सुरू केलं का प्रश्नोत्तर लिहायला चल गुड अंकल जी आज हम आपका एक सरप्राइज टेस्ट लेंगे किसी भी एक टॉपिक पे आपको 10 लाइन बोलनी टॉपिक आप चूज करिए अरे ऐसा अचानक क्या बोलूं विषय तरी सांग वो आप सोचिए अंकल जी जिस विषय पे बोलने का मन करे आप बोलिए अरे पण अंकल जी कोशिश तो कीजिए चलिए अपना कोई अनुभव बताइए गौरी जरा पानी आण ग काय बोलावं सुचत नाही मला अंकल जी हिंदी हा गौरी काय बाबा मुझे बाबा बुलाती है बहुत ही नाजुक बहुत ही भोली मेरी लाडो मेरी गौरी बचपन में मुझे ज्यादा खिलौने नहीं मिलते थे अगल बगल के बच्चों को अपने खिलौनों से खेलते देख मुझे बहुत जलन होती थी तभी मैंने भगवान से एक प्रार्थना की हे भगवान थोड़ी देर के लिए सही मुझे एक ऐसा खिलौना दे दे ताकि जिंदगी भर में इतराता फिरूं इसमें घर गत लिए क्या हाल मुझे पता चला कि भगवान भी बच्चों की बात सुनते हैं देर से ही सही लेकिन मुझे खिलौना मिल गया दुनिया के सबसे सुंदर गुड़िया भगवान ने मुझे दी है मेरे जिगर का टुकड़ा मेरी गौरी यह सच है बेटा मुझे इस बात का फख्र है कि मैं तुम्हारा बाबा हूं जिंदगी की सारी खुशियां तुमने मुझे दी है गौरी गे पिशवी गे त्याच्या डब्बे भर आणि देऊन ये गौरी शिवला जरा आठवण कर म्हणून उद्या वेळेवर ये उद्या कार्यक्रम आहे जाण्यागोदर त्यासमोर बोलून दाखवायचं मला बर सांगते वेणू हो गया क्या अरे वो घर से पैसे मंगवाए थे ना हाँ। तो ट्रांसफर हो गए सुबह बैंक से निकलवा लेंगे और शाम तक उन्हें दे देंगे किसको देगा गौरी को या उसके बाबा को इसे बाबा समर तुझे हिम्मत होइल का हिम्मत की बात मत करो यार हाँ गौरी जी के बाबा को पैसे देने में थोड़ी झिझक तो होगी पर गौरी जी को तो दे देंगे हम हाँ अरे बढ़ के की हो तुझ पर यार गुस्सा करेगी ओढ़ेल तुलाती तो अब क्या करें मैं क्या बोलूं बात करके तो देख ही सकते हैं ना नहीं यार बिन पाने से करेल थे नोको शायद डबल लेके आई है तू देख कहते ऑल द बेस्ट हाय वेणु हाँ सर बोलो नहीं नहीं सर आई एम एट होम Thank you.
हाँ मैं आपसे कुछ बात करनी है। माला ही बोला है। क्या? एक मिनट। सकाळी पाहिलं विषय किती फिरवतोस रे, तुला स्पष्ट बोलायला काय होतं मीतूशी? मीतू? हमारे बीच में मीतू कहां से आ गई? कारण ती मध्येच जी, म्हणजे मी तुमच्या मध्ये माझी पंचायत होते, मिसअंडरस्टँडिंग होते, माझ्यामुळे भेटलात ना तुम्ही दोघं। कोई मिसअंडरस्टँडिंग नाही है, जो है वो साफ है, तभी तो हम फिल्म देखने नहीं गए। हो नाही गेलास, पण त्या वेणूला पण फिल्म बघायला त्या वेणूला पाठवलं। सकाळी तू काय बोलत होतास आणि ती काहीतरी वेगळंच समजत होती, तिला वाटत होतं की तिच्या काळजीमुळे तू त्याला पाठवलं। असं कशाला खेळायचं कोणाच्या भावनांची? नहीं नहीं नहीं, हम सच में उनको बिल्कुल भाव नहीं देते हैं। भाव नहीं, भावना। जे ते खरं सांगून टाक ना तिला। खरा खरा मतलब सच ना? सच नहीं बता पाए। ठीक है ना, नहीं बता पाए तो क्या हो गया? आप उनके दोस्त हैं, आप जाके बताइए उन्हें। यहाँ का दरवाजे के सामने खड़े होकर मैं सुनाया जा रही है। हाँ बाबांनी उद्या सकाळी लवकर बोलवलंय, त्यांचा प्रोग्राम आहे। हा लवकर कल? नाही नाही कल तो हम नहीं आ सकते, प्लीज अंकल जी से कह देना। हाँ का? कल हमें दूसरा बहुत जरूरी काम है, बोल देना अंकल जी से प्लीज। तवकस भाव के इस चक्कर में पैसों का पूछना तो भूल ही गए हम। ये बात जानना तकरीबन नामुमकिन है, नामुमकिन। नकिस खुश होना था। खुश हो जाएगा। अरे वाह, हिंदी सासू शोभल नको काय डबे दिला शिविलो काय काय वय बोललो काय आणि तुमका गुरु भेटलो काय? अरे अग आई, प्रत्येक माणसाचं आपल्या आयुष्यात येण्यामागचं काहीतरी प्रयोजन असतं, काहीतरी कारण असतंच। अगदी खरं, मला या नव्या भाषेची गोडी लागायला आणि माझा दृष्टिकोन बदलायला शिव माझ्या आयुष्यात आला असणार। अगदी खरा बोललाय जावई बापू। मला समजत नाहीये की शिव माझ्या आयुष्यात येण्यामागे काय कारण असेल। समझ में नहीं आ रहा कि पैसे कैसे ऑफर करें, कुछ गलत ना समझ ले। तेज होणार बघ, तुला मी सांगतो सत्य, बोला ना मैं। अरे अंकल आओ प्लीज कम शिव। अरे अंकल जी, अंकल जी आइए ना, आइए अंकल जी। आज कार्यक्रम है, प्रोग्राम है जी अंकल जी, तो एक बार अगर आप सुन लो तो। अंकल जी आज हम ऑफिस का थोड़ा काम घर पे लेके आ गए, वो करना है। सॉरी। नहीं मी म्हटलं एकदा ऐकलं असतं तर तशी माझी तयारी झाली आहे, लेकिन थोडं धाकधुक थोडी टेंशन हो रही। टेंशन मत लीजिए अंकल जी, एक बात का ध्यान रखिए कि जिस भाषा में बोलना है उसी में सोचना होगा। हिंदी बोलनी है तो हिंदी में सोचिए। एक सेकेंड अंकल जी, बॉस का फोन है, लेना होगा। आज नहीं हो पाएगा, सॉरी। हेलो अंकल जी, वो छोटा मुंह बड़ी बात, हमें गलत मत समझिएगा पर। अरे काय झालं, स्पष्ट बोल ना अंकल जी। ये काय आहे, काय थोड़े पैसे।